कई बार स्टूडेंट टारगेट तो बना लेते हैं 95%, 90%, 98% और उसके लिए शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जोश ठंडा पड़ जाता है, पढ़ने में मन ही नहीं लगता, डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। उसके बाद फिर से निराशा और बढ़ जाती है, खुद पर शक होने लगता है कि क्या वाकई में हम 98% बना पाएंगे या फिर मुश्किल से बस पास हो पाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर नहीं। दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर से डर को, शंका को बाहर निकाल दो। इस वीडियो में चार जबरदस्त ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको 98% 95% 90% बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ये चार बातें दिमाग में बिठा लोगे तो लगातार और धड़ाधड़ पढ़ाई होगी, और अगर आपके अंदर इस बात का डाउट होगा ना कि मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं, तो वो डाउट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपके मोटिवेशन का लेवल हाई कर सकता है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। नंबर वन, फ्लो टूटने मत दो। जिस तरह रेस कंपटीशन में दौड़ते दौड़ते कोई बीच में अगर रुक जाए तो वो रेस हार जाएगा। वैसे तो आपको रोज स्कूल जाने का मन करता होगा, लेकिन जैसे ही दो चार दिन अगर छुट्टियों में ही स्कूल नहीं गए तो स्कूल जाने का भी मन नहीं करता है। उसी तरह जब आप लगातार पढ़ते रहते हैं तब आपका मन पढ़ने में ही लगा रहता है, और जैसे ही पढ़ाई से आप मन हटा देते हो, किसी दिन आपका फ्लो टूट जाता है तो फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। तो असल खेल इस मन का है। जब हम किसी काम को बार बार लगातार करते रहते हैं तो वो मन को बहुत अच्छा लगने लगता है, फिर मन उसी तरफ जाने लगता है। जैसे मोबाइल चलाने का बार बार मन होता है, आप जितना ज्यादा मोबाइल चलाते होंगे मन उतना ही ज्यादा मोबाइल की तरफ और जाता होगा। मन में जब एक बार लगातार पढ़ाई का फ्लो बन जाता है, उसे टूटने नहीं देना चाहिए। हर समय यदि आप पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक सोचते रहेंगे ना, तो आपका मन और ध्यान पढ़ाई की तरफ ही जाएगा, जिसके कारण आपका ब्रेन और मन ऑटोमेटिक पढ़ाई की तरफ जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में जब सभी मंदबुद्धि कहते थे, तब अल्बर्ट आइंस्टीन अपने बुद्धि का विकास करने के लिए एनी टाइम किताबों को पकड़ कर रखते थे। चाहे उन्हें पढ़ने का मन हो या फिर ना हो, वे हमेशा किताबों को अपने पास में रखते थे, जिसके कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को किताबों से इतनी ज्यादा दिलचस्पी हो गई कि वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीनियस व्यक्ति बने। नंबर टू, डिसिप्लिन टूटने मत दो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि आप स्वयं अनुशासन में नहीं रह सकते तो आप दूसरों पर भी प्रशासन नहीं कर सकते। अब्दुल कलाम ने कहा था कि इंसान की आदतें ही उसे सफल या असफल बनाती है। दोस्तों, अनुशासन का पालन करना सदैव कड़वा होता है, लेकिन इससे प्राप्त होने वाला फल सदैव मीठा होता है। जब कोई आपको नहीं देख रहा है ना, तब भी आप ईमानदारी से पढ़ाई करने में लगे हैं, जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, तो यही आत्म अनुशासन का उदाहरण है। यदि आप हर दिन अनुशासन का पालन करते हैं, अर्थात समय में उठते हैं, समय में सोते हैं, समय में पढ़ाई करते हैं, टाइम टेबल को ईमानदारी से फॉलो करते हैं, समय में घर के काम और बाकी काम करते हैं, तो आप हर समय मोटिवेटेड रहते हैं, और इस अनुशासन के कारण ही आप लगातार लंबे समय तक पढ़ाई कर पाते हैं। अनुशासन का पालन करने वाले स्टूडेंट के पास कभी भी खाली समय नहीं रहता है। नंबर थ्री, एक सिद्धांत को फॉलो करो। जिस तरह 10 अलग अलग जगह में 10-10 फीट गड्ढा करने से पीने का पानी नहीं निकलता, बल्कि एक ही जगह पर 100 फीट 200 फीट गड्ढा करने से पानी निकलता है, उसी तरह 10 अलग अलग सिद्धांत बनाने से जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती। अलग अलग बातें फॉलो करने से दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है, कंफ्यूजन की वजह से ध्यान भटकता है, जब ध्यान भटक जाता है तो पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं होती है। पढ़ाई तो छोड़ो, कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती है। एक सिद्धांत फॉलो करने से हम मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, इससे हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है, जिसके बाद अगर हम कोई भी काम करने का ठान लेते हैं तो उसे करके ही आराम करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हम तब तक हार नहीं मानते जब तक सफल न हो जाए। सफल लोग कभी भी अपने सिद्धांत को टूटने नहीं देते। अगर उनकी नजर में कोई काम गलत है तो वे उस काम को नहीं करते, और अगर उन्हें किसी काम को पूरा करना होता है तो उस काम में चाहे कितनी ही बाधाएं आए, प्रॉब्लम आए, वे उनका सामना करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं और अपनी मंजिल को हर हाल में प्राप्त करते हैं।
इसलिए वे कभी कंफ्यूज नहीं होते और ना ही मंजिल से भटकते हैं, बल्कि वे हर हाल में मंजिल प्राप्त करते हैं। एग्जांपल के लिए, जिस स्टूडेंट को पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी है, उसे एक बार आप बोल कर देखो, यार चलना घूमने चलते हैं, मौज मस्ती करेंगे, वो स्टूडेंट साफ मना कर देगा, क्योंकि उसके लिए अपना सिद्धांत साफ है, क्लियर है, उसके लिए पढ़ाई ही जरूरी है, घूमना फिरना मौज मस्ती करना जरूरी नहीं है। अपने लिए जीवन के सिद्धांत बनाओ, कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं, इसमें कंफ्यूज मत बनो। अपने लिए एक रूल, एक सिद्धांत बनाओ और उसे ही ईमानदारी से फॉलो करो। नंबर 4, बार बार याद दिलाओ। हमारे अंदर का मोटिवेशन इसलिए खत्म होने लगता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने खुद से क्या वादा किया था। हम भूल जाते हैं कि हमने शुरुआत ही क्यों किया था। हम भूल जाते हैं कि हमने इतना बड़ा टारगेट क्यों बनाया था। अज्ञानता, नेगेटिविटी इसलिए आ जाती है, इसलिए हम निराश होने लगते हैं, क्योंकि हम एक समय के बाद अपने आप को मोटिवेट करना ही भूल जाते हैं। असली मोटिवेशन आपके हालात, आपकी स्थिति, परिस्थिति होती है। असली मोटिवेशन आपके अंदर से आती है, कोई बाहर के वीडियो से देखने से नहीं आती है। ये वीडियो देखने के बाद भी आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा, न कि इस वीडियो में मोटिवेशन है। अपने अंदर के मोटिवेशन को खत्म करने का मतलब है कि अपने सपनों को मार देना। जब हम खुद को अपने सपनों की याद नहीं दिलाते हैं, तो हम कोई भी काम और कुछ भी काम करने लगते हैं। जैसे कि हम मोबाइल तो खोलते हैं कुछ और देखने के लिए, लेकिन रील शॉर्ट्स देखने में भूल जाते हैं कि मोबाइल आखिर पकड़ा ही क्यों था। जिसके बाद दिमाग में अच्छी चीजें जाने के बजाय खराब चीजें जाने लगती है, और जितना ज्यादा नेगेटिविटी ग्रहण करोगे, जितना ज्यादा दिमाग में गलत इंफॉर्मेशन जाएगा, उतना ही ज्यादा आप डिमोटिवेट होते जाओगे और आप अपने लक्ष्य को भूलते जाओगे, मोटिवेशन कम होता जाएगा। यही खराब इंफॉर्मेशन आपके अंदर के मोटिवेशन को खत्म कर देती है। इसलिए खुद को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम्हें पढ़ना क्यों है, किस लिए तुमने खुद से वादा किया था। कोई भी चीजें परमानेंट नहीं होती है, आपको हमेशा ही खुद को याद दिलाना पड़ता है कि आपने शुरुआत क्यों किया था, आपको क्यों करना है, कैसे करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।